Assalamu alaikum, dear students. I am Irfan Ali from CPS Tara Musa, and today we are going to learn about direct and indirect speech. Direct और indirect speech को narration भी कहते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि narration क्या होती है. Narration किसी की कही गई बात किसी दूसरे को बताई जाए तो उसे हम narration कहते हैं. यानी कि किसी की बात को किसी और person को बताना वो narration कहलाती है. मिसाल के तौर पर कि हमारे पास ए बी और सी है. अब जो ए है, ठीक है, ए बी की बात को बताना चाहता है सी को कि वो कहता है कि मैं ईमानदार हूँ या वो कहता है कि मैं बहादुर हूँ. तो ए ने किसकी बात को बताया? बी की बात को. और किसे बताया? सी को. यानी कि किसी की बात को, यानी बी की बात को ए ने सी को बताना है, तो उसे हम कहते हैं नरेशंस. अब एक बात याद रखनी है कि जो जब हम किसी की बात को दूसरे को बताते हैं तो वो जो बात होती है वो सिंगल स्टेटमेंट में नहीं होती, वो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट में होती है. यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं वो डबल स्टेटमेंट के होते हैं, सिंगल स्टेटमेंट के वो नहीं हो सकते. अब जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारे पास देखें जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर इन्वर्टेड कॉमास को हम क्लोज कर देते हैं. तो हमारे पास दो इसके पार्ट बन गए. एक वो जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होंगे वो कहलाएंगे रिपोर्टेड स्पीच. और रिपोर्टिंग स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जब हम बात करने वाले के एग्जैक्ट वर्ड को बयान करते हैं वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा कि व्हेन वी डू नॉट टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, जब हम बात करने वाले जो एग्जैक्ट वर्ड को हम आगे बयान नहीं करते वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच. यानी डायरेक्ट स्पीच जब हम बात करने वाले की बात को हूबहू आगे बयान कर दें वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, और जो इनडायरेक्ट में हम बात करने वाले की उस बात को हम उसके मीनिंग्स में, ठीक है, उसके मीनिंग्स को बयान करते हैं अपने अल्फाज में, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच. तो स्ट्रक्चर आपने देखा कि स्ट्रक्चर में दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं. एक वो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और एक जो रिपोर्टेड जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. अब इसके अंदर हम चेंजिंग्स कौन सी करते हैं? चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस. तो जितने भी पर्सन हम चेंज करते हैं या टेंस की चेंजिंग होती है वो सारी की सारी रिपोर्टेड स्पीच में होती है, रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं होती. अब देखते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन हम कैसे करेंगे. तो चेंज ऑफ पर्सन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है एस ओ एन का सन का फार्मूला, और एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज. तो जो सब्जेक्ट होता है वो चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ. जो सेकंड पर्सन होता है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज होता है. तो ये जो फार्मूला होता है वो पर्सन को चेंज करने का होता है. उसके बाद आता है चेंज ऑफ टेंस. तो चेंज ऑफ टेंस में के ऑल प्रेजेंट टेंसेस चेंज इनटू पास्ट टेंसेस, यानी कि जितने भी प्रेजेंट के टेंस होते हैं उनको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं. जैसे कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और अगर आपका रिपोर्टिंग अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे. तो ये कुछ टेंसेज को चेंज करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि प्रेजेंट को आपने पास्ट में चेंज करना है, जितने भी प्रेजेंट के टेंस होंगे वो सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे. तो आपने देखा कि चेंज ऑफ पर्सन के लिए हमने सन का फार्मूला यूज़ किया, और टेंस के लिए हमने ये जो लिखा हुआ है कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग हमने उसे चेंज करना होता है. उसके बाद कुछ और चेंजिंग्स होती हैं जिनमें नाउ को देन में चेंज कर देंगे. अगर
जब आपका रिपोर्टेड स्पीच उसके अंदर अगर नाउ होगा तो वो देन में चेंज हो जाएगा, अगो होगा तो वो बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, इसके अलावा आपने दिस को दैट में चेंज करना है, दिस को दोज में चेंज करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होंगे। उसके अंदर हमारे पास असर्टिव होगा सेंटेंस जो कि रिपोर्टेड स्पीच में होगा, ऑप्टेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, इंटरोगेटिव होगा और इम्पेरेटिव होगा। तो जब आपका सेंटेंस असर्टिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, तो आपने जो कंजंक्शन यूज़ करना है उसमें हमने दैट का वर्ड यूज़ करना है कॉमा को ख़त्म करने के लिए। जब आप उसके कॉमास ख़त्म करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, तो आपने दैट यूज़ करना है। कब? जब आपका सेंटेंस असर्टिव होगा, ऑप्टेटिव होगा और एक्सक्लेमेटरी होगा। अगर आपका जो सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव होगा, ठीक है, तो इंटरोगेटिव के लिए हमने दो वर्ड दो तरीके से करेंगे। जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो या तो WH वाले वर्ड से शुरू होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इंटरोगेटिव के लिए जो आपने यूज़ करना है, ठीक है, कंजंक्शन उसके लिए आपने WH वाले वर्ड ही यूज़ करने हैं, ठीक है। और अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो वो आपने इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए जो आपने कंजंक्शन यूज़ करना है वो आपने टू यूज़ करना है, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए जो आपने चेंजिंग्स करनी है वो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। तो इनको आपने अपने जहन में रखना है अच्छी तरह कि चेंज ऑफ पर्सन को हम कैसे करेंगे, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस कैसे होगा, उसके अलावा जो बेसिक जो हमने चेंजिंग्स करनी है वो कौन सी होंगी, उसके बाद हमारे पास सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं और उनके लिए कंजंक्शन हमने कौन सा यूज़ करना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपको समझ आ गई होगी कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट लेसन के साथ एक नेक्स्ट क्लास में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।